तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो एक न्यू नोटिस जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, ये आज का फ्रेश नोटिस है। यहाँ पे 2022 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जो है वो कोविड-19 कंटेनमेंट के रिगार्डिंग जो है जेके गवर्नमेंट ने निकाली है, तो उसी को हम लोग जब भी ड्रिल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड के जो यहाँ पे केसेस है वो दिन ब दिन दोस्तों बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जेके से भी एग्ज़ाम जो है वो भी डिले कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी ये जेके से जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने देखा है कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोकस जो फॉलिंग पैरामीटर पर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने फोकस किया है। आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे वीक जो है टोटल वीकली न्यू केसेस इन पे देखेंगे वो पॉजिटिविटी रेट कितना है, इसके हिसाब से बेड एक्यूरेसी, केस फैटलिटी रेट, तो वैक्सीनेशन कवरेज, ये सारी चीज़ें देख के ही अब आगे जो है स्टेप्स है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने उठाने हैं। तो दोस्तों, आप आगे मैं आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू शैल क्लोजली मॉनिटर ऑल सभी जो है ये केसेस हमारे, आप देख सकते हैं आजकल तो केसेस 6,000 से प्लस आ रहे पर डे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये अब रिस्ट्रिक्शनें रहेंगी जम्मू एंड कश्मीर में, जो भी ऑफिसेज हैं टू रेगुलेट द अटेंडेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय इन सच अ मैनर एज टू इंश्योर द अपॉइंटी सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। अब जो है सारे जहाँ पे आएंगे लेकिन उनकी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। प्रेगनेंट वुमेन इम्प्लाइज हैं उनको फिजिकल अटेंडेंस से वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, इम्प्लाइज विद डिसेबिलिटी उनको भी वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है इनडोर आउटडोर गैदरिंग जो है वो 25 ही आप कर सकते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को आगे बता दूँ हाल वगैरह में भी आप देख सकते हैं 25 वो भी वैक्सीनेटेड पर्सन ही जा सकते हैं। तो सिनेमा हॉल्स की बात करें तो 25% के साथ खुल सकते हैं। एजुकेशनल की बात करें हम तो ये सारे जो भी है ऑल एजुकेशन आईटी सब जो है ऑनलाइन मीडियम से ही करेंगे, कोई भी जो है ऑफलाइन यहाँ पे नहीं कर सकता। बाकी नाइट कर्फ्यू तो आपको पता है वो तो 9 से 6 वो तो रहना ही रहना है। बाकी देर शैल बी कम्प्लीट रिस्ट्रिक्शन नॉन एसेंशियल एक्ट मूवमेंट्स इन यूटी। तो ये आप लोगों के लिए दोस्तों आज की फ्रेश अपडेट थी। बाकी आप लोगों को पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, मेरा जो ग्रुप है उसमें आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे डेली हमें जो है हम अपडेट्स डालते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ओके एंड गुड बाय।